ठीक है आ जाए जी। किसी के मुंह पे हंसी आई, किसी ने तालियां बजाई। एंटरटेन करने के लिए कहा था ना आपका डेढ़ तक, आपने एंटरटेन करना है। चले आप से शुरू करेंगे। आपने 5 मिनट के लिए नीचे यहां आएंगे और आपने एक तड़पती हुई मछली बन जाना है। तड़पती मछली जी, पानी से बाहर आ गई हैं आप। ठीक है आ जाए। ठीक है आ जाए आ जाए आ जाए, ये ज्यादा तड़प गई। ठीक है ठीक है आ जाए। ठीक है आ जाए। ठीक है आप चारों वेटिंग में। आप दोनों का कंपटीशन ये है कि आप दोनों को एक एक मिनट मिलेगा, किसी भी तरह कुछ भी करके आपके साथ जो बैठा हुआ है इसको आपने हंसाना है। आप दोनों में से इतनी हिम्मत किस में है कि पहले वो कह के मैं करता हूँ। मैं करूँगी। आपका एक मिनट शुरू होता है सुम्बुल अब। हे कैसी हो यार? ओह अरे धुंधू, जस्ट चिल। क्या हुआ, हंसी नहीं आ रही? हंसाऊं? बताऊं कैसे हंसाते हैं? बच्चों को कैसे हंसाते हैं? गुदगुदियां शुरू कर दो फिर भी हंसी आ जाएगी तुम्हें, है ना? अच्छा नहीं आ रही तो क्यों नहीं हंस रही हो तुम? वो देखो, वो तुम्हारे पीछे, वो देखो उस पे हंसो। 10 9 ना, क्या हो गया? नहीं हंसी आ रही। 5 4 3 2 1 सुम्बुल बैठ जाए। सर बड़ा मुश्किल चैलेंज है, मुझे हंसी आती नहीं है और मुझे हंसाना आता नहीं है। सना आपका एक मिनट शुरू होता है अब। क्या हाल है? हंस लो यार, हंस लो, हंस लो यार थोड़ा सा। सर नहीं कर पाऊंगी मैं। ठीक है चले आप दोनों वेटिंग पे। आप लोगों ने इंसाफ के साथ हंसना नहीं है बिल्कुल भी, आपने इनको किसी भी तरह हंसाना है। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो। बेबो मैं बेबो। इस शो में आने के लिए उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा भाई। So you want to go out with me? Actually, I'm really bored at home, so let's just go out. यूँ तो आपने कंटेस्टेंट्स को बड़े बड़े डेयर्स करते हुए देखा है, लेकिन ये डेयर आप सब देखने वालों के लिए है। अबे भाई ऐसी क्या चीज है जो तू दिखाना चाहता है? मेरे जिस्म के साथ वो चीज अटैच है। तो सोच लो क्या आप देखने वालों में इतनी हिम्मत है? भाई दिखा दे, दिखा दो। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो। बेबो मैं बेबो। निदा हयात जी, अपने बारे में कुछ बताओ इंटरेस्टिंग। मैं निदा हयात हूँ और नहीं नहीं बायोडेटा नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग, वो सब आपने यहाँ लिखा हुआ है। आप कोई चीज ऐसी बताओ जिससे लोग जितने देख रहे हैं उनको लगे हाँ यार इसको शो में तो होना ही चाहिए। मैं शायद मैंने आज तक कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग किया नहीं होगा, लेकिन शौक बहुत है। कोशिश अपनी पूरी करती हूँ कि लाइफ को एंजॉय करूँ जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है। मैक्सिमम एंजॉयमेंट रिसेंटली क्या किया आपने? कल रात को 4 बजे तक घर से बाहर थी, शीशा पी रही थी, बारिश में एंजॉय कर रही थी फ्रेंड्स के साथ। नहीं बता के गई थी। शीशा क्यों पीते हैं? क्यों पीते हैं, बस मजा आता है ऐसे मौसम में तो। नुकसान है उससे? होता होगा, लेकिन वही बात है कि हर चीज अगर लड़कियों के लिए स्मोकिंग का ज्यादा नुकसान है आपको पता है? लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी गलत है लेकिन लड़कियों के लिए नुकसान ज्यादा है। फिर भी अगर आप बैठ के यही सोचते रहो कि नुकसान और फायदा, हर चीज में नुकसान फायदा नहीं देखा जाता। आप सिर्फ मजा सोचती है, मजा आ रहा है कर लो बस। एग्जैक्टली। व्हाट अ बिग बॉल। कूल होना क्या होता है?
वेल आजकल अगर हमारी कंट्री में देखा जाए कूल का जो टर्म है वो है कि नए कपड़े पहन लिए, मेकअप कर लिया, लड़कियां कूल बन गई, लड़कों ने विल यू फ्रेंडशिप विद मी करते करते इधर उधर घूम लिए तो कूल बन गए। सबसे अजीब तरीके से आज तक किसने आपको ये फ्रेंडशिप की ऑफर मारी है? एक बंदा था, उसने मुझे फेसबुक पे ऐसे ही न जान न पहचान बस मैसेज कर दिया रैंडमली, आप बहुत खूबसूरत है मुझे दोस्ती करने में मर जाऊंगा। जी किसकी पिक लगाई हुई थी? अपनी लगी हुई थी तो आप उससे दोस्ती करने में मर जाऊंगा और ये है और वो है, आप पता नहीं क्या चाचा बकवास। चले यहाँ पर कुछ प्रॉप्स पड़े, आपने कोई भी प्रॉप उठाना है, एक मिनट के अंदर आपने कुछ ऐसा करना है कि लगे कि आप इंटरटेनिंग हो सकती हैं, क्योंकि जब आप इस रियलिटी शो में आगे जाएंगी सिर्फ डेयर्स नहीं है, आप लोग साथ रहेंगे तो आपकी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा सबके साथ शेयर हो रहा होगा। मेरा नाम चुन 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 सब चुन 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 रात चांदनी और तुम हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू पापा पापा पापा। ठीक है नेता, थैंक यू। इस्लामाबाद ऑडिशन। कार भाई ये क्या मसला है, इतना देर क्यों लगा रहे हैं? सारे लड़कियों वगैरह के आपने पहले ले ली? कार भाई ये बिल्कुल नाइंसाफी है, लड़कियों के पहले ले लिया आपने और हम यहाँ सुबह 8:30 बजे से ना। कार भाई जितनी देर करनी है आगे जाएंगे, 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 जाएंगे। अच्छा आप तीनों ने एक ही चीज करनी है, क्योंकि आप में से सिलेक्शन किसी एक ही हो सकती है। आपने करना ये है कि आपके हाथ इस सीट के ऊपर होंगे और टांगे हवा में, जो ज्यादा देर तक रहेगा वो जीत जाएगा। नहीं कर सकते, आ जाए इधर, आ जाए गो। इसी तरह रहते हुए आपने कोई जोक सुनाना है, पहले बिलाल आप। एक पठान हॉस्पिटल से आता है, रास्ते में पंजाबी खराब है तो रो रो करता। पंजाबी पूछता भाई क्यों रो रहे हो? कहता है यार 20 साल बाद बच्चा हुआ है, वो भी बिल्कुल छोटा सा। अब आप सुनाएंगे अहमद। एक सरदार होता है, वो अपनी बहन के साथ रिक्शे में जा रहा होता है, पीछे बैठा होता है। रिक्शे वाला ऊपर शीशे से उसकी बहन को देख रहा होता है, कहता है साइड पे आ, मुझे गाड़ी चलाने दे, मेरी बहन को देख रहा है। वो आगे आके बैठ जाता है और उसको पीछे बिठा देता है। आ जाए नीचे भाई दोनों। बिलाल कैसा लग रहा है, सिलेक्शन हो गई आपकी? क्या करोगे शो में आगे जाकर? इंशाल्लाह सर जी मेरी फुल कोशिश होगी, वो 10 लाख रुपए मैं ले गया। बिलाल आप कमाएंगे 10 लाख रुपए यकीनन, लेकिन इस शो के थ्रू नहीं, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो अहमद की हो गई है। कैसे हैं रे साहब? ठीक ठाक सर। तो मुझे बताओ कि क्या किया जिंदगी में आज तक इंटरेस्टिंग आपने? सर इंटरेस्टिंग एक ही चीज की है सर, प्यार किया है मैंने। प्यार किया? यस सर। और जिस वजह से मुझे सारी यूनिवर्सिटी जानती है, 4 सेमेस्टर हो गए पहले सेमेस्टर मेरे ऊपर चांस लगा। दूसरे कहां आप पढ़ते?